सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में वापस स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है कंपार्टमेंट एग्जाम और जो प्राइवेट एग्जाम की PIL थी वो कैंसिल कर दी है और बोला है कि कंपार्टमेंट और प्राइवेट एग्जाम के मतलब प्राइवेट एग्जाम कंपार्टमेंट वाले बच्चों को प्राइवेट वाले बच्चों के एग्जाम हो गए। तो अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर अब क्या एग्जाम किसी भी हाल पे कैंसिल नहीं हो सकते। तो दोस्तों देखो, मैं आप सभी को एक ही बात बोलूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मैं वही बातें आपको बताऊँगा। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, उसके बाद में एग्ज़ाम किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हुए थे, इन्होंने एग्ज़ाम लिए थे और आप सभी बच्चों की बात पता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अब एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस है, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते तो वो एक ही पर्सन कर सकता है, वो है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर। इनके अलावा कोई भी पर्सन में पावर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल सके। और मेरे को लगता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि यार सिर्फ 1,00,000 बच्चे हैं कंपार्टमेंट के अंदर, 1,00,000 से भी कम बच्चे ही एग्जाम देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी सारे बच्चे करते हैं लेकिन एग्जाम देने सिर्फ 40,000-50,000 बच्चे आते हैं। और एवरेज अगर देखें तो हर एक स्कूल में 2 से 3 बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देने आते हैं, तो 2 से 3 बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंस करवा के वो एग्जाम ले सकते हैं, ऐसा स्कूल वालों का मानना है। देखिए मेरा ये मानना है कि ठीक है एग्जाम तो आप लोग ले लोगे, लेकिन बच्चों का कितना फ्यूचर वैसे ही खराब हो चुका है। 1 साल हो गया बच्चों को, अभी तक उनके एग्जाम क्लियर नहीं करे, बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया है, वरना बच्चे अभी कॉलेज में होते इससे बढ़िया बच्चों को फेल ही कर देते, मेरा ये मानना है। तो ये गलत कर रहे हैं लोग। बाकी अगर आप सभी ने मेरे से पूछे होगी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल सकता है, तो मेरे को लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलेगा। तो आप सभी स्टडी करो। देखो ट्विटर पे कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है, मेन बात है कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरे को लगता नहीं कोई इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब देखो अब सारे हर कोई CA के एग्जाम की तरफ चला गया, UPSC एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब चांस नहीं है। मैंने अब जो रियलिटी वो आपको बता दी, बाकी मैं आपका अच्छा सोचता हूँ इसलिए मैंने आपको एक बात बताई है। टेंशन मतलब आपका पेपर बहुत इजी है, अगर आराम से पास हो जाएगा तो आप लोग स्टडी पे ध्यान दो। कोई इन्फॉर्मेशन आती है अगर मेरे को लगता है कि हाँ एग्जाम कैंसिल का माहौल बन रहा है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशा करते रहो, सेफ रहो।